तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम बैक टू वेलकम और स्वागत है आपका पीजी बाइक एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पोरो के बारे में, हमें पोरो फ्री में कैसे मिल सकती है। तो हम फिलहाल के लिए उतरते हैं मिरर वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ इतनी फाइट होती है कि हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ मिरर वर्ल्ड में जो भी आपको गन मिले सीधा उसी से पेटी बनाओ, नहीं तो आपकी पेटी बन जाएगी। ये देखो कौन आया, सांप का बच्चा आया। ये सांप का बच्चा मेरी पेटी बना देता है ऊपर। अरे नीचे तो छोड़ो, ये बंदे ऊपर भी सांप बने फिर रहे हैं। तो हम फिलहाल आते हैं नीचे और नीचे से बग्गी लेते हैं और दोबारा से आ जाते हैं ऊपर बंदों की पेटियां बनाने। और यहाँ ऊपर आके मेरे को मिलती है मशीन गन, आओ चलते हैं इसी मशीन गन से बंदों की पेटियां बनाने। अरे मार दिया भाई, ओ भाई चारों पेटी। यहाँ ऊपर आके मैं इसी मशीन के अंदर तीन चार बंदों की पेटियां बनाता हूँ और आ जाता हूँ नीचे। ये मैप देखो, अपना एक टीममेट हमसे अलग उतर चुका है और उसके पास में आ जाती है टीम। तो चलते हैं अब अपने टीममेट को बचाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि मुझे पोरो कैसे मिली, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे पोरो मुझे एक क्लिक में ही मिल गई। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को आइसलैंड डिस्कवरी में जाना है। ये आइसलैंड डिस्कवरी का इवेंट आपको शॉप के नीचे मिल जाएगा, ये तो वैसे सभी को पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सब कुछ लोगों को पता नहीं होती। आप लोगों को इस इवेंट में आके इसमें के सारे मिशंस कंप्लीट करने हैं। तो आपको यहाँ पे एक रिडीम का बटन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्वाइन मिलेगा जिससे आप ये क्रेट ओपनिंग कर सकते हो। तो इस क्वाइन को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना होगा जिससे आपके पास ज्यादा क्वाइन इकट्ठा होगी। देखो यहाँ मुझे वन क्लिक में ये पैराशूट मिल जाती है। मैं आपको बता दूं ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे मुझे वन क्लिक में ही पैराशूट और वन क्लिक में ही पोरो भी मिल गई। और अगर ये ट्रिक आप भी ट्राई करते हो तो आपके भी 19% चांस है कि आपको पोरो मिल सकती है या फिर ये यूजेड, क्योंकि ये ट्रिक मैंने अपने एफबी के ग्रुप में बताई तो उसमें से बहुत सारे बंदों को पोरो निकल गई। ये क्लिप आप भी देख सकते हो। तो इसका ओपनिंग करने के लिए आपको एक सही टाइमिंग का इंतजार करना है जिसका टाइमिंग है रात को 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक, क्योंकि मुझे पोरो भी रात के 3 बजे ही मिली थी और मैं ये क्रिएट ओपनिंग भी रात को 3 बजे ही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पोरो के क्रिएट ओपनिंग करते टाइम वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे पोरो मिल सकता है, लेकिन फाइनली मुझे पोरो मिल गया। तो भाई लोग आप भी ट्राई करो रात के 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक, आपकी लक बढ़िया हो तो आपको पोरो जरूर निकल सकती है या फिर यूजेड या फिर एकेएम, दोनों ही बहुत बढ़िया आइटम है। तो जाओ आप लोग भी ट्राई करो और आप लोग की और इन तीनों में से कोई भी आइटम निकल जाती है तो वीडियो पे एक प्यार सा कमेंट जरूर छोड़ना जिससे मुझे लगे कि मेरे सब्सक्राइबर का मेरे वीडियो से कुछ लाभ हुआ है। तो आओ अब वापस से चलते हैं अपने गेम प्ले के ऊपर। यहाँ अपने भाई दो बंदों को नॉक किए होते हैं लेकिन वो बंदे मुझे दिखाई नहीं देते। यहाँ पे मैं पागलों की तरह ढूंढता हूँ कि ये दोनों बंदे हैं किधर, लेकिन यहाँ पे मुझे घर में कोई दिखाई नहीं देता और ये दोनों बंदे इसी घर में होते हैं। यहाँ अपना टीममेट बोल रहा है कि ऊपर दो बंदे नोक हैं, लेकिन यहाँ ऊपर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत देर तक वो दोनों बंदों को ढूंढता हूँ लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई देता। और देखो फाइनली वो बंदा कहाँ पे दिखाई देता है हमें। मैं यहाँ पे आके प्रोन मारता हूँ क्योंकि सामने वाले घर पे एक और टीम आ चुकी है, लेकिन तभी मुझे नोक बंदा दिखाई दे जाता है। हमारे घर में शायद नहीं है कोई, मेरे घर वो मर गए, दो थे आ रही है तो फिर हिले रहो, हिलो मत। यहाँ पे नॉक बंदे को बचाने के लिए इसका टीममेट आता है, तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ उसकी पेटी। अरे M4 से नॉक डाला है, इसकी पेटी बनाने के लिए मैं लेता हूँ जल्दी बोतल में आग और फेंक देता हूँ इसके ऊपर। मैं ग्रेनेड मंगा रहा हूँ, इनकी माँ का तेरी बहन। मेरे मौली से इन दोनों की पेटी बन जाती है, लेकिन सामने वाले घर में एक टीम आ चुकी है तो हम लोग चलते हैं उस पर रस करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ क्योंकि एक बंदे को नॉक निकाले बिना रस करना बेवकूफी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ होल्ड, तब तक अपना टीममेट नेट से एक बंदे को नॉक कर देता है तो हम करते हैं इस पे सीधा रस। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ। पे मेरी हेल्थ हो जाती है 0 और मैं इन दोनों बंदों को 0 HP पे नॉक डाल देता हूँ और मैं इनकी पेटी बनाता हूँ। तब तक इनका एक और टीममेट आता है, वो मेरी पेटी बना देता है। थोड़ी देर होल्ड करके रस करता तो मैं इसकी भी पेटी बना देता है। यहाँ पे अपने दोनों टीममेट नॉक होते हैं और मेरी हेल्थ होती है 0, तो यहाँ पे अपनी पेटी बन जाती है। तो हेलो, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।